चैनल माई चैनल नेम सोनका किचन। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ क्रिस्पी कॉर्न चाट, जो कि खाने में बहुत ही चटपटी और डिलीशियस लगती है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सोनका किचन। ये देखिए, क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए मैंने पानी को गर्म करने रख दिया है और पानी गर्म हो गया है। और हम जो ये कॉर्न है, मैंने फ्रोजन वाले कॉर्न लिए हैं, तो भी आप इसमें 5 से 10 मिनट ये कॉर्न को डाल देंगे। ये देखिए, मैंने कॉर्न डाल दिया। अब इसे मैं 5 से 10 मिनट पानी में लो फ्लेम पर रख दूंगी। मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है छानी में। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने ऑयल रख दिया है इसे मीडियम फ्लेम पर। ऑयल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, ये देखिए, जिससे अच्छे से कोटिंग हो जाए हमारे जो स्वीट कॉर्न है। और थोड़ा सा मैं इसमें व्हाइट सॉल्ट डाल रही हूँ, हल्का सा डालना है व्हाइट सॉल्ट। और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स ऐसे करेंगे कि जो हमने इसमें मसाला डाले हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लोर, साल्ट एंड रेड चिली फ्लेक्स, तो वो अच्छे से कोडिंग हो जाएं। ये देखिए, इसे अच्छे से हिला के आप ये देखिए मसाला अच्छे से कोड हो जाए। तेल शायद गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक कॉर्न डाल के देखते हैं। आप थोड़ा लो फ्लेम कर दीजिएगा, जिससे कि हम अगर ये डालते हैं कॉर्न तो छींटे ना पड़ जाए, क्योंकि लो फ्लेम पे ही पहले आप डाले कॉर्न कढ़ाई में। तो तेल गर्म हो गया, हम इसमें कॉर्न डाल देते हैं। देखिए, गैस मैंने लो कर दी है और मैं इसमें कॉर्न डाल रही हूँ ऑयल में। ये हम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम गैस से थोड़ी लो कर देंगे। ये देखिए, इतने क्रिस्पी हो गए ना कॉर्न। ये देखिए कितने गोल्डन ब्राउन और एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने जो चॉप करके अनियन रखा था, मैं वो डाल रही हूँ, क्योंकि हमें चाट बनानी है। तो इसमें थोड़ा सा कुकुम्बर मैंने चॉप कर लिया था, थोड़े से टमाटो। ये अपने अकॉर्डिंग है, आप डाल भी सकते हैं ये सब चीजें और नहीं भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा मैं डालूंगी ब्लैक पेपर। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें डालनी है, जो आप पसंद करते हो, जैसा खाना वैसे ही आपको ये चाट बनानी है। थोड़ा सा ये ब्लैक सॉल्ट डाला है मैंने इसमें, और ये डाल दी हूँ मैं चाट मसाला। अब एक नींबू डाल दूंगी मैं। ये देखिए, एक नींबू निचोड़ दूंगी मैं इसमें, जिससे कि चटपटा लगे और खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये क्रिस्पी कॉर्न चाट। ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट, एकदम यूनिक टेस्ट आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा हम बटर डालेंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच मेल्ट बटर डाला है और अब इसको हम हिला देंगे। ये देखिए कितना दिखने में एकदम मुंह में पानी आ रहा होगा ना। थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। ये कॉर्न चाट जो है बरसाती मौसमों बड़ी टेस्टी चाट लगती है। और इसमें यदि आप ग्रीन चिली भी डाल देंगे थोड़ी चॉप करके, तो बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मेरे बच्चे ग्रीन चिली नहीं खाते, इसलिए मैंने नहीं डाली है। ये देखिए, ये प्लेट को मैंने थोड़ा मैड एंगल से थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। दिखने में कितना डिलीशियस लग रहा है ना कॉर्न क्रिस्पी। तो और थोड़ा सा मैंने इसमें बटर डाल दिया ऊपर से, और आप लोग को देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा
तो इसलिए बिना देर करते हुए आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसी डिश जरूर बना के खिलाएं, जिससे बच्चे भी जो हैं बाहर का कम और घर का ज़्यादा बना हुआ खाना खाएं।